दोस्तों यहाँ पे मैच हमारा लग चुका है और आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप टारगेट सबसे ज़्यादा कम दे सके ओपोनेंट को। इससे क्या होगा, आप टारगेट कम मिलेगा तो आपके पास प्रेशर नहीं आएगा, आप आराम से मैच जीत सकोगे। तो यहाँ पे पहले मैं राजेश के साथ स्टार्ट करो। गोल सर्कल आप यही डायरेक्शन की लेना, स्पीड 12.7 डिग्री, लाइक स्काई ब्लू कलर चॉइस कर लेना, वॉट एवर लाइक स्पीड स्काई ब्लू चॉइस कर लेना, उसमें बहुत अच्छी गुगली होगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सिर्फ दो रन आए, आगे बढ़ने से पहले चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करके जाना, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। दूसरी बॉल देखते हैं, यहाँ पे इस बॉल में ले रहा हूँ और स्काई ब्लू के ऊपर रख के देखते हैं राजेश की कितनी गुगली होगी। ज़्यादा गुगली नहीं हुई, ये बॉल नहीं देगी क्योंकि बिकॉज ज़्यादा गुगली होगी तभी तो प्लेयर रन नहीं मार पाया। उसने यहाँ पे गुगली ज़्यादा नहीं हुई, उसके बैक पे आई सिक्स लगा दिया। यहाँ पे अब जो जेम्स की मैं लेके दिखाता हूँ, सर्कल बीच में रखा, अगर आप स्काई ब्लू चॉइस करते तो बहुत अच्छी बात होती, तो उसके नीचे भी सिलेक्ट करोगे तो कोई बात नहीं। अब राजेश की हमें ऊपर करके देखते हैं कितने रन जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो स्पिन कितनी होगी। हमने देख लिया स्काई ब्लू के नीचे भी अच्छी स्पिन हो रही है। लो, अगर प्लेयर समझदार नहीं होता ना तो ये विकेट होती, विकेट नहीं होता ना तो विकेट हो जाती, समझदार था इसलिए उसने खेल दिया। तो मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी, स्काई ब्लू ले लेना जेम्स की, या जेम्स की स्काई ब्लू के नीचे कलर ले लेना, या स्काई ब्लू कलर के ऊपर लोगे तो विकेट आएगी। अब जो राजेश की है यहाँ पे गुगली हुई है, फिर देखते हैं यहाँ पे, इस पर भी ज़्यादा रन नहीं आ पाए। 5 बॉलों में अभी तक इसने 17 रन ही बनाए, इट्स इनफ, ज़्यादा हाई तो नहीं है ना टारगेट, तो सही बात है। अब यहाँ पे लास्ट बॉल देखते हैं, लास्ट बॉल इसमें कैसी रहेगी। अब मैं राजेश की ऊपर वाली चॉइस करी, देखो दोस्तों सर्कल बदला है मैंने और देखो एंगल कितना अच्छा रहा, बॉल इतनी अच्छी टर्न हुई, प्लेयर खुद नहीं समझ पाया। 2 रन आए और 6 बॉलों में 19 रन बनाए, बहुत इट्स इनफ, 20 रन का टारगेट है। आज मैंने राइट हैंड साइड का बैट्समैन नहीं है क्योंकि मेरे जितने भी कमेंट्स में आते हैं वो कहते हैं राइट हैंड साइड वालों के लिए वीडियो बनाओ। जब भी भास्कर फेस करो तो हमेशा राइट हैंड साइड शॉट खेलना, राइट हैंड साइड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड साइड वाले कोशिश करना लेफ्ट हैंड साइड खेलने की। आप प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकते हो, उसमें मैंने हर बैट्समैन की वीडियो बना रखी है, हर बॉलर की वीडियो बना रखी है। अब मैं फिर से ये राइट हैंड साइड ही शॉट खेलूँगा। दोस्तों ये देखो, इसको मैंने थोड़ा टाइम नहीं रखा, इसलिए टाइम रखता तो 6 जाता, 3 रन मिलेंगे। तो 3 बॉलों में 9 रन आ गए, 2 बॉलों में 9 रन आ गए, इट्स मोर देन इनफ, 10 रन चाहिए वो भी 4 बॉलों में, आराम से बन जाएंगे, कोई टारगेट प्रेशर नहीं लेना माइंड पे। अब ये फ्रंट फुट पे रखने की कोशिश कर रहा है तो मैं मिड विकेट पे खेलूँगा। जब भी या तो फ्रंट फुट, मतलब लाइक जब बॉल आपके बीच में विकेटों में रख देना, मिड विकेट पे खेलना, नहीं तो फ्रंट फुट पे खेल देना टाइम खेल के। राइट हैंड साइड खेलोगे ना भाई विकेट चली जाएगी, मत खेलना। सर्कल जब आगे हो ना तब खेलना, कोशिश करना। अब यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा कोशिश करता हूँ राइट हैंड साइड लेने की, लेकिन मैंने टाइम के साथ खेलोगे ना तो आप राइट हैंड साइड खेल लेना, नहीं तो आप लेफ्ट हैंड साइड बैट्समैन वाले लेफ्ट हैंड साइड खेलना। फ्रंट फुट में जिनको आदत है वो फ्रंट फुट पे लगाओ, मिड विकेट पे लगाओ, मुझे हैबिट है, मैं इसलिए टाइम के हिसाब से राइट हैंड साइड बॉल खेल रहा हूँ। आपको भी ऐसे खेलना, दो मैं मैच बड़ी आसानी से जीत गया, अभी मेरे पास एक बॉल बच गई थी। ठीक है, ओके बाय।